मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और आर्थिक राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने मृतक राजू की स्मृति में उसके घर के आंगन में आम का पौधा भी लगाया। मंगलवार को रायसेन जिले के सिलवानी तहसील अंतर्गत आने वाले चंद्रपुरा खमरिया गांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने बीते दिनों दो पक्षों में हुए विवाद के बाद मृतक राजू आदिवासी के परिवार से मिलकर सांत्वना दी। उन्होंने मृतक की पत्नी को 5 लाख रुपए और उसके बुजुर्ग पिता को 50,000 रुपए की सहायता दी। यही नहीं, पत्नी के लिए अलग और बुजुर्ग पिता के लिए अलग अलग मकान बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजू के तीनों बच्चों को प्रति माह 2,000 रुपए देने की घोषणा भी की है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना में घायल हुए लोगों को 2-2 लाख रुपए राशि देने की घोषणा भी की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा कि मध्य प्रदेश में डाकू रहेंगे या फिर मैं रहूंगा, मेरे होते हुए एक भी डाकू मध्य प्रदेश में नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं, लोग थोड़े डरे हुए हैं, उन्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ उनके साथ पूरी सरकार है। मुख्यमंत्री ने गुंडे बदमाशों को अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हारे मकान तोड़वाकर मैदान बनवा दूंगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय भाई बहनों से सीधा संवाद किया, दिव्यांगों को साइकिल बांटी और जरूरतमंद आदिवासियों को 22,000 रुपए के चेक भी प्रदान किए। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार अजय गोहिल की रिपोर्ट। यहाँ खमरिया में दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिसमें गोलियां चली और कई लोग घायल हुए, लेकिन उनमें से राजू आदिवासी नहीं रहे। उनके परिवार से मिलने भी मैं आया था, उनकी पत्नी और 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता से मैंने भेंट की। बाकी जो लोग घायल हैं भोपाल में भर्ती हैं, उनके परिजन भी यहाँ इकट्ठे हैं, उनसे भी मैंने भेंट की है। और सबसे पहले राजू जिसका परिवार बेसहारा हो गया है, उसके परिवार को राहत की राशि, उनकी धर्मपत्नी जी को भी, उनके पिताजी को भी, धर्मपत्नी को 5 लाख रुपए, पिताजी को 50,000 रुपए, लेकिन उसके साथ साथ 2 मकान पक्के उनके बनाए जाएंगे, 20,000 रुपए राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि के भी दिए हैं और रोजगार के लिए भी सहायता प्रदान की है। जो छोटे छोटे 3 मासूम बच्चे हैं उनको पेंशन दी जाएगी 2,000 रुपया महीना जब तक वो बड़े होते हैं। उस परिवार के साथ हम खड़े हैं, घायलों का निःशुल्क इलाज हो रहा है, जो 3 गंभीर घायल हैं उनके परिवार को भी 2-2 लाख रुपए की राशि दी है इलाज के अतिरिक्त, और जो सामान्य घायल हैं उनके परिवार को भी 50,000 रुपए की राशि दे रहे हैं, इलाज हम करवा ही रहे हैं। लेकिन एक डर उनके मन में है कि बाद में हमारे साथ और अन्याय होगा, तो मैं ये कह देना चाहता हूं, घायलों का निःशुल्क इलाज हो रहा है, जो 3 गंभीर घायल हैं उनके परिवार को भी 2-2 लाख रुपए की राशि दी है इलाज के अतिरिक्त, और जो सामान्य घायल हैं उनके परिवार को भी 50,000 रुपए की राशि दे रहे हैं, इलाज हम करवा ही रहे हैं। लेकिन एक डर उनके मन में है कि बाद में हमारे साथ और अन्याय होगा, तो मैं ये कह देना चाहता हूं, सरकार उनके साथ खड़ी है, कमजोरों के साथ खड़ी है। कमजोर मतलब वो कमजोर नहीं है, लेकिन जो गुंडे बदमाश अपनी ताकत और
हथियारों के दम पर आतंकित करते थे। वो पूरे प्रदेश में क्रश किए जा रहे हैं, चाहे वो यहां हो या वो दुराचारी हो जिनने बेटियों की तरफ गलत नजर से देखा, चाहे वो श्योपुर के दुराचारी हो, चाहे वो सिवनी के दुराचारी हो, चाहे शहडोल के दुराचारी हो या जावरा के अपहरण करता हो, जहां भी ऐसी घटना की है वहां पूरी तरह से कुचल दिए जाएंगे। ये गुंडों का आतंक का राज हमने पहले भी समाप्त किया, डकैत समाप्त किए मध्य प्रदेश की धरती से। कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया, दूसरों को सताने वाले, अवैध काम करने वाले, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी है, कठोर अभियान जारी है। मैं यहाँ आश्वस्त करने आया हूँ अपने विशेषकर आदिवासी भाई और बहनों को कि चिंता की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रश्न ये है, एक मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रश्न ये है कि आपने जो किया, हमारा प्रश्न ये है कि आपने जो किया है आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, जहां गड़बड़ होगी वहां मैंने कहा है कि गुंडागर्दी करने वालों के रसूख को समाप्त करके उनको पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। आप बधाई। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।